लड़कों की जिसे हिंदुस्तान से मोहब्बत है। ये रशियन लड़की आई तो थी भारत घूमने फिरने, लेकिन यहाँ उसका ऐसा मन लगा कि उसने अपना एक यूट्यूब चैनल ही भारत पर बना डाला, जिसका नाम रखा है कोको इन इंडिया। हालांकि दिल्ली में कोको को बदसलूकी के एक बुरे अनुभव का भी सामना करना पड़ा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आखिर ये पूरा माजरा है क्या, रिपोर्ट देखिए। रूसी महिला की जुबानी, इंडिया से मोहब्बत की कहानी। ये क्यों इंडिया में रहती है? दाल में कुछ काला लग रहा है, शायद पूरी दाल काली है। ना नौकरी ना कारोबार, फिर भी इंडिया से प्यार। भारत ने अपना लिया कोको इन इंडिया। रूसी लड़की को क्यों है हिंदी भाषा से लगाव? समय, मतलब हमको काफ़ी समय लगा मेरे वीज़े के लिए, क्योंकि रशियन लोग वीज़े के बिना नहीं एंटर कर सकते इंडिया, नहीं एंटर कर सकते। क्यों? अफसोस की बात। तो फिर जब मेरा वीज़ा इश्यू हुआ, ये था अप्रैल 2021 में। ये रूसी लड़की की भारत के प्रति प्यार है, हिंदी को लेकर लगाव है, जो हर शब्द को हिंदी में ही बोलना चाहती है। रशिया की रहने वाली ये लड़की का नाम कोको है, जो नोएडा में रहती है और भारत के कई शहरों का दौरा कर वीडियो बनाती है और अपना अनुभव शेयर करती है। देखो वहाँ पे मुझे याद है कसरत खत्म हो गया, मैंने कोलेजन मिक्स किया, मतलब डाला, मिक्स कर रही हूँ इस बोतल में, कोलेजन में पीती हूँ। मैंने आपको बताया पुराने व्लॉग में कि नाश्ते से 30 मिनट पहले, अभी नाश्ते के लिए 4:30-5 बजे नाश्ता करूँगी। मेरा स्केड्यूल ही ख़राब है, क्या करूँ, मतलब ख़राब नहीं है मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन काफ़ी अलग है स्केड्यूल। पीती हूँ आपकी तबीयत के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। कैसे इस रूसी लड़की को भारत से इतना प्यार हो गया कि ये यही रहने लगी, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। YouTube पर कोको इन इंडिया नाम से चैनल चलाने वाली रूसी लड़की का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में घूमते वक्त एक युवक उनके साथ बदतमीजी करता दिख रहा है, जबरदस्ती दोस्ती करने के लिए कह रहा है। लड़की काफी देर तक नानुकुर करती रही, लेकिन ये मंचला नहीं रुका और उलझुलुल बातें करने लगा। हम आपका जो है चैनल काफी देखते रहते हैं हमेशा। धन्यवाद। और हम आपका दोस्त बनना चाहते हैं। पर मेरे दोस्त भी हैं काफी, तो एक और बन जाएगा, क्या करना है। पर फिर भी ये आपके सपना है क्यों, और आप इंडियन को क्यों नहीं बनाना चाहते? इंडियन से जो है उब चुके हैं। बना है कि मैं रशियन को दोस्त बनाऊं, बनना पसंद करेंगे? लड़की वीडियो बनाती रही और दोस्ती का ऑफर ठुकरा दिया, तो युवक ने लड़की को आपत्तिजनक शब्द कह डाले, जिससे वो शॉक रह गई। बेहद शर्मनाक है ये वीडियो। जिस देश में अतिथि देवो भव का नारा लगता है, वहाँ एक विदेशी लड़की के साथ ऐसी हरकत बिल्कुल भी जायज नहीं है। वीडियो आने के बाद अब युवक पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लोग इस युवती की भी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह इसने युवक को जवाब दिया। रूस की रहने वाली इस युवती को इंडिया से बहुत प्यार है, जिसके बारे में वो अपने YouTube ब्लॉग पर भी बताती रहती है। सब कुछ शुरू हुआ 2020 में। 2020 में सितंबर में मैं रशिया में रहती थी, सुकून से रहती थी, इतनी सुकून से तो नहीं पर रहती थी, और मुझे मिला इंडियन आदमी। इसलिए हमने काफ़ी समय, मतलब हमको काफ़ी समय लगा मेरे वीज़े के लिए, क्योंकि रशियन लोग वीज़े के बिना नहीं एंटर कर सकते इंडिया, नहीं एंटर कर सकते। क्यों? अफसोस की बात। तो फिर जब मेरा वीज़ा इश्यू हुआ, ये था अप्रैल 2021 में, तो अप्रैल 2021 में
मुझे अभी याद है तारीख 16 अप्रैल 2021 में मैं इंडिया आई रहने के लिए। पहले मैं इंडिया भी आती थी टूरिस्ट की तरह, मतलब पर्यटक की तरह, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए 2 बार आई। मैंने आपको बताया ना पहले, बहुत पहले, कि मैं नोएडा में रहती थी। कोको बताती है कि वो 2020 से ही हिंदी सीखने लगी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो भारत आना चाहती है। कोको अक्सर बॉलीवुड के गानों पर डांस करती है, रील्स भी बनाती है। बहुत अलग खाना है, देखो वहाँ पे मुझे याद है मैंने करीम भी खाए थे। हिंदी मुझे बहुत पसंद आया, हिंदी सीखना। तो ज़रूर मेरी कभी कभी गलती होती है जब मैं बोलती हूँ, मेरा एक्सेंट भी है मुझे पता है, पर फिर भी मुझे अच्छी हिंदी आती है, मैं सब कुछ समझती हूँ। अभी तो शायद 90% समझ सकती हूँ जो भी लोग मुझे बोलते हैं हिंदी में, और जवाब भी सही से दे सकती हूँ। तो फिर जब से मैं आई इंडिया में 2021 अप्रैल, हालांकि पहले उसे यहाँ के कल्चर और गर्मी की वजह से काफी परेशानी थी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब अच्छा लगने लगा। फिर वो नोएडा शिफ्ट हो गई। बहुत गर्मी थी, काफ़ी गर्मी मतलब थी राशिया की तुलना में, तो काफ़ी गर्मी थी क्योंकि राशिया में तो काफ़ी ठंड थी उस टाइम अप्रैल में, और इंडिया में गर्मी। मैं आई और उस टाइम हमको 2 दिन रहना पड़ा होटल में, तो हम गए महिपालपुर क्योंकि वहाँ पे वो इलाका मतलब दिल्ली में माना जाता है कि वहाँ पे होटल्स बहुत हैं, तो इसलिए उस आदमी को भी पता था कि महिपालपुर जाना है। तो महिपालपुर में गई, बाहर गई, वो राशिया से काफ़ी अलग है, तो मेरा इम्प्रेशन पहले शॉकिंग था, मतलब मैं हैरान थी, सब कुछ बहुत अलग है, बहुत बहुत लोग हैं, वो मुझे घूर रहे हैं, वो नाराज हो गया। ओके कोई बात नहीं। कोको को यहाँ के लोग और कल्चर ने उसे यहाँ रोक लिया। फिलहाल कोको अपने देश रशिया में है, जहाँ उसे इंडिया में शादी करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की जरूरत है। इस बात की जानकारी भी उसने अपने ब्लॉग में दिया। पता नहीं था वो सच में बड़ा मार्केट, मैंने सोचा बस बाहर छोटे से मार्केट। मुझे यहाँ से यहाँ पे क्या काम है, वैसे वीज़ा मेरे इंडिया से भी एक्सटेंड होता था तो ज़रूरी नहीं था मेरे लिए कि रशिया ही आना है वीज़े के लिए, लेकिन मैं सबसे पहली वजह यह है क्योंकि ये मुझे चाहिए एक डॉक्यूमेंट रशिया से कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ रशिया में, जो साबित करता है कि मतलब मैं शादीशुदा नहीं हूँ। क्योंकि अगर फॉरेनर इंडिया में शादी करना चाहता है तो उस मांगते हैं वो दस्तावेज शायद बोलते हैं ना, कि ये इंसान रशिया में मतलब शादीशुदा नहीं है, ताकि कैसे पता, शायद मेरे रशिया में 3 पति हैं, कौन कौन जानते हैं, इसलिए साबित करना चाहिए। और ये क्या है, ये है छोले चावल, ये मेरे दोस्त भी खा गए। भारत के प्रति कोको का प्यार बेहद ही खास है, वो धीरे धीरे यहाँ के कल्चर को फॉलो करने लगी है और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंधने जा रही है। ऐसे महिला के साथ बीच बाजार छेड़छाड़ बेहद निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।